नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे मेहमान के साथ ज़किया गज़ल हाज़िर है, सलाम कबूल कीजिए। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तज़किए नफ्स का महीना है। हमारा ये प्रोग्राम रमज़ान में पहली बार नशर होगा, तो हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम की इब्तिदा बाबरकत नात से करें। लेकिन इससे पहले मैं आपका तारुफ कराऊँ, आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहतरमा नूर शमा नूर साहिबा। मैं आपको अपने स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहती हूँ। शुक्रिया। नूर शमा नूर साहिबा एक सीनियर शायरा हैं, 1965 से अशार कह रही हैं, मारूफ शायरा हैं। लेकिन जैसा कि हर खातून के साथ होता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात, कुछ ऐसा वक्फा आता है कि वो शायरी की दुनिया से, अदब की दुनिया से थोड़ा दूर हो जाती है, लेकिन कलम से अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ सकती। यही कुछ सिलसिला नूर शमा नूर साहिबा के साथ भी हुआ। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन चूंकि रमज़ान का महीना है, हम चाहते हैं कि शमा नूर साहिबा अपनी नात से इसका आगाज करें। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप अपनी नात पेश करें। वो तारे दिल नशीं तर्ज़े हकीमा ना है बस उनका, हकीकत में वो अंदाज़े करीमा ना है बस उनका, मिसाले शम रोशन है हर एक हुस्ने अमल उनका, सनाहा ने मोहब्बत है जो परवाना है बस उनका, जमाना उनके ही नक्शे कदम पर सजदा करता है, शराबे मारफत पीता है मस्ताना है बस उनका, शराबे मारफत पीता है मस्ताना है बस उनका, तजल्ली आ गई की अब रुखे हस्ती पे फैलेगी, भरा है आ गई ने जो वो पे ना है बस उनका, भरा है आ गई ने जो वो पे ना है बस उनका। सुभान अल्लाह। और मख्ता पेश खिदमत है। इरशाद। मुनव्वर कर लिया है नूर उनकी याद से दिल को, हर एक किन दिल उल्फत आईना खाना है बस उनका, हर एक किन दिल उल्फत आईना खाना है बस उनका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, रमज़ान का महीना तज़किए नफ्स का महीना है, लेकिन ये सिर्फ रोज़ा नहीं रखना होता। इसमें इंसान को अपने अखलाक, अपने किरदार, अपनी ज़बान से निकली हुई गुफ्तगू, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। ये मुबारक महीना हम सबको हर साल मैसर आए, इसी की दुआ करता है हर मुसलमान। आपने नात सुनी मोहतरमा शमा नूर साहिबा से। आइए हम शमा नूर साहिबा से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। शमा साहिबा, मुझे कुछ आपकी शायरी सुनी, आपकी गिरविदा हुई जी, शुक्रिया। सोचा कि आपको बुलाऊं हमारे मेहमान में, चूँकि आपसे बेहतर मेहमान कोई इस वक्त यूं नज़र नहीं आया, कि शायरी की जो आपके यहाँ वसत पाई जाती है, आपकी जो, मैंने आपका जब कलाम सुना और आपकी किताबें पढ़ी, आप माशाल्लाह बहुत सीनियर शायर हैं। आपने परवीन शाकिर साहिबा के साथ,
मुशायरे पढ़े, बड़े बड़े शोरा के दरमियान, लेकिन बीच में एक वक्फा आया। जी। तो आप बताइए, बताना पसंद करेंगी कि आपका पस मंजर थोड़ा सा अपना तालीमी पस मंजर के साथ, फिर आपकी शायरी का शुरू होना और उसके बाद उसमें ब्रेक आना और फिर दोबारा अपने आप को रीस्टार्ट करना, अपने आप को नए सिरे से अदबी दुनिया में एक तरह से इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है ना। आप एक वक्फा आपकी जिंदगी में अगर आ जाए तो फिर आपको नए सिरे से अपने आप को मनवाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, तो आपका ये तजर्बा कैसा रहा? आपकी, सबसे पहले मैं आपकी तारीफ की, आपने जो मेरी जरा नवाजी की उसकी तारीफ करूंगी। और आप इस काबिल हैं। जी, शुक्रिया। तो मेरे, मैं बहुत अरसे से लिख रही हूँ, बल्कि समझिए कि बचपन के ही ज़माने से मेरी चीज़ें जो थी वो रोज़नामा अंजाम में बच्चों के सफ़े पे शाया होती रही हैं। और 65 से मैंने अपनी शायरी का आगाज़ किया। बहुत वो तवील एक, जी वो एक ऐसा ज़माना था जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कुछ मसाइल थे, और उसी दौरान मैंने अपने जज्बात से मकलूब होकर महसूस किया कि मैं शायरी कर सकती हूँ। तो उसी ज़माने से फिर मेरे अशार भी अखबारों और रिसालों की जीनत बनने लगे। और ताल्लुक़ मेरा एक ऐसे खानवादे से है जिसको बजा तौर पर इल्मी और अदबी खानवादा कहा जाए तो सही होगा। बिल्कुल। इसलिए कि मेरे नाना खुद प्रोफेसर थे पटना यूनिवर्सिटी में उर्दू के। अच्छा। और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने दरस व तदरीस के फ़रज़ अंजाम दिए थे। और मेजर आफ्ताब हसन जो कि कराची यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर थे और शोबे तसनीफ व तालीफ के हेड थे, वो भी मेरे नाना थे, मेरे नाना के फर्स्ट कज़न थे। खासा अदबी और इल्मी खानवादा है आपका। उर्दू कॉलेज का के बानियों में से थे ये लोग। और मौलाना मनाजिर अहसन गिलानी, मौलाना मनाजिर अहसन गिलानी जो रिसर्च स्कॉलर थे उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, वो भी मेरे नाना के फर्स्ट कज़न थे। तो मेरा ताल्लुक जो है वो शुरू से एक ऐसे माहौल से रहा जिसमें लिखने पढ़ने को और तसनीफ को बड़ी अहमियत दी गई। तो आपका वैसे, आपने तालीम किस शोबे में हासिल की? मैंने केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी किया है। फिर उसके बाद मैंने शादी के बाद बीएड और एमएड भी किया है। और मैं शोबे तदरीस से वाबस्ता रही हूँ। तो बायो केमिस्ट्री के साथ शायरी जुड़ी आपकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ शायरी जुड़ी आपकी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो भी एक, समझिए, एक तरह की शायरी ही है। उसकी मसावाते आप देखें तो उनमें भी वही तवाजुन और बैलेंस की कैफियत पाई जाती है। तो आप उस्ताद भी रही? जी, मैंने तकरीबन 36 साल अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। किस कॉलेज में पढ़ाती थी आप? जी, मैं मलीर के गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने पढ़ाया है। और क्या, एक केमिस्ट्री पढ़ाती थी? जी, केमिस्ट्री पढ़ाती थी। तो मेरे शागिर्द तो इस वक्त तकरीबन दुनिया के गोशे गोशे में मौजूद हैं और उनसे ताल्लुक भी बरकरार है बहुत सोच से मेरा। और मुझे फख्र है कि मैंने उनकी उनकी तरवीज जो बिल्कुल तरक्की में हिस्सा लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और तो शायरी की इब्तिदा समझ लें कि आपकी शुरू में ही अवाइल 65 से हुई। हाँ, उसके बाद आपने बचपन से ही, तो आपने मुशायरे पढ़े उस जमाने में? जी, मैं कॉलेज में गई तो हमारी प्रोफेसर वहीदा नसीम साहिबा हमारी इंचार्ज थी बस भी अदब की, और मैं उसकी सदर भी मुंतखब हुई। और उसी जमाने में मैंने बहुत सारे मुशायरों में, कराची से बाहर के मुशायरों में भी हिस्सा लिया, इनामात हासिल किए। और रेडियो स्टेशन के बज्म तलबा में पूरा हफ्ते तलबा, जश्न हफ्ते तलबा मनाया गया, उसमें मेरी शायरी को इनाम मिला। और इस तरह तो नसर भी लिखी मैंने। एक साल के लिए मैं कॉलम निगार की हैसियत से मुंतखब हुई जंग के सफ़े तलबा पे, और निसार अहमद जुबैरी साहब थे उनकी सरकर्दगी में मैंने एक साल तक नजर तालबात के उनवान से कॉलम भी लिखे हैं। वैसे उस जमाने में ये अच्छी बात थी कि तालबात हो, तलबा हो, तालबात जो भी हैं उनके टैलेंट उनके तालीमी इदारों से ही। हाँ, बिल्कुल, उसके उभारने में असातिज़ा का बहुत बड़ा हाथ था। जी, अभी चीजें मफकूद होती जा रही हैं, खत्म ही हो गई हैं तकरीबन। इसलिए कि कुछ माशरे का रुख भी तब्दील हो गया, बिल्कुल, कुछ मसरूफियात भी लोगों की दूसरे रुख पे मुड़ गई। बिल्कुल बिल्कुल। शायरी में तातुल कैसे आया? फिर देखिए, शादी के बाद तो शुरू में मैंने कहा ये तो कि हर, ये तो हर औरत के साथ है, हर उस औरत के साथ है मैं समझती हूँ जो अपने ऊपर अपने घर को तरजीह दे, अपनी औलाद को तरजीह दे, उनकी तरबियत को तरजीह दे। वरना देखिए, ये तो बहुत आसान काम है कि आप अपने शौक की खातिर कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं, हत्ता कि अपना घर भी।
लेकिन अकलमंदी एक औरत की इसी में होती है कि वो पहले अपने घर को देखे, जाहिर है, उसके बाद अपने शौक को देखे। तो आपने ये पीरियड कितना कितना अरसा था कि आप शायरी से दूर रही, लिखना भी छोड़ दिया या सिर्फ मुशायरे में जाना नहीं, छोड़ा? नहीं, मैं लिखती रही, और ऐसी बात नहीं है कि मुशायरे में बस नहीं जाती। जाहिर है, बच्चों की परवरिश और परदाख्त में मैंने अपना वक्त लगाया और फिर दूसरी मसरूफियात थी कुछ जिनकी बुनियाद पर। लेकिन फिर ये हुआ कि हमारे कलीम आजिज़ साहब हमारे शौहर के उस्ताद थे, वो हिंदुस्तान से तशरीफ लाए मुशायरे के सिलसिले में, और उनका कयाम भी मेरे ही घर पे हुआ। अच्छा, तो उनके मसद इसरार पे मैं दोबारा मुशायरों में शरीक होने लगी। और फिर तो किन, किन 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 लोगों के साथ मुशायरे पढ़े आपने उस जमाने में? मैंने बहुत सारे शोरा हैं कराची के, इस वक्त तकरीबन जितने बड़े शोरा हैं ताबिश साहब, जमीलुद्दीन अली साहब, हिमायत अली शायर साहब, जी जी बिल्कुल, जो सीनियर शोरा हैं हमारे, मोहसिन भोपाली साहब, और आपने फरमाया कि परवीन शाकिर, हाँ वो तो मेरे हमारे बिल्कुल यानी हमारी हम असल शायरा थी, वो उसी जमाने में थी कराची यूनिवर्सिटी में, जी जी बिल्कुल, वो भी थी हमारे फेलोज में से थी बिल्कुल, और उनके साथ मैंने मुशायरे पढ़े। नाज़रीन, हम नूर शमा नूर साहिबा से गुफ्तगु कर जारी रखेंगे, आते हैं ब्रेक के बाद। When you or your loved one is injured in a car or slip and fall accident, one of the most important decisions you're going to make is the lawyer that you hire. It is essential that you choose a lawyer that has track record of success and a lawyer who has handled serious injury cases before and won. Call Alam Law at 416-625-2636 for a free consultation. And remember, you do not pay anything unless I win your case. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। सो कॉल नाउ एट 416-508-3989। Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. Stands apart in the real estate world, Zia Abbas. All kind of events call 905-212-1255. Takeout and home delivery for Pakistani, Indian and Hakka Chinese. Check out our menu online, continentalgrandbuffet.ca. At Continental Grand Buffet.
जी नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे मेहमान आप देख रहे हैं और हमारी मेहमान हैं नूर शमा, नूर साहिबा। अनु साहबा, आप पाकिस्तान से तशरीफ लाई हैं, लेकिन मैंने सुना है कि अब आप मुस्तकिल कनाडा शिफ्ट हो गई हैं, तो ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह का शुक्र है कि जो मसरूफियात मेरी पाकिस्तान में थी उनका इख्तिताम हो चुका है और मैं चाहती हूँ कि मैं ज्यादा वक्त यहाँ अपने बच्चों के साथ गुजारे। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि तवील तातुल के बाद आपकी पहली तख्लीक आपने क्या क्या की और जो कहाँ पढ़ी? ये देखिए, मैं बुनियादी तौर पर नज्म की शायरा हूँ। अच्छा, तो ये उस जमाने मैंने तो आपकी गजलें बहुत सुनी है आपकी जबान से। हाँ, लेकिन शुरू में तो नज़्में बहुत कही हैं। अच्छा। जरा गजलों की तरफ भी मैंने रुजू किया। तो ये नज्म जो थी, उस जमाने में कराची के हालात बड़े सियासी हो रहे थे और जो अब तक है। हाँ, अब तक है। बकौल दिलावर फिगार साहब के हालात हाजरा को कई साल हो गए। हाँ, सही बात। तो ये नज्म उसी जमाने की यादगार है और इसी से फिर मैंने अपने शायरी के दूसरे दौर का आगाज किया है, वो मैं आपके खिदमत में पेश कर रही हूं। इरशाद, नज्म का उन्वान है तकाजा। दुख के नेजे में पिरोए हुए लोगों सुनना, वाह। आतिशे गम में सुलगते हुए लोगों सुनना, जबर की धुंध में लिपटे हुए लोगों सुनना, दारे अंदोह पे लटके हुए लोग। वाह 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 वाह। जी शुक्रिया। दारे अंदोह पे लटके हुए लोग। वाह वाह वाह। अपने जज्बात की तौहीन मुबारक हो तुम्हें, गर्दिशे वक्त की तजमीन मुबारक हो तुम्हें, शोखिये दर्द की तस्कीन मुबारक हो तुम्हें, अपनी तजलील का आईन मुबारक हो तुम्हें। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। उजलते दर्द की हर एक तड़प फिर से सहो, तानो तशनी की बेदर्द सलीबों पे चढ़ो, तारीके शहरे वफा तरके तमन्ना भी करो, सर्द जज्बात के बेरहम थपेड़ों से डरो, सर्द जज्बात का बारूद न फट जाए कहीं, ये समंदर इसी मलबे से न अट जाए कहीं, रह गुजर अपने ही रस्ते से ना हट जाए कहीं, तख्ते वक्त सितमगर ना उलट जाए कहीं। क्या अच्छा है, वाह वाह वाह। इससे पहले के हो अजबर तुम्हें बोसीदा कलाम, इससे पहले के तुम्हें खाए ये फरसूदा निजाम, इससे पहले के बनो रस्म कबीदा के गुलाम, इससे पहले के तुम्हें मौत करे आके सलाम। वाह 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 वाह। इससे पहले के ये हो जाए कहीं, कुछ तो करो अपने अनफास की लो, तेज करो तेज करो। क्या अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि आपके पसंदीदा शोरा और नसर निगार कौन कौन है? जी, मेरे जिससे इंस्पिरेशन मिलता है इंसान को। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो अल्लामा इकबाल से मेरी पसंदीदगी का आगाज हुआ। फिर मौजूदा दौर में फराज अहमद फराज हैं और बशीर बदर हैं इंडिया के शायरों में, इन सब से मैंने इंस्पिरेशन हासिल किया और पसंद है। और मुस्तफ़ा जैदी को खास तौर पर मैंने बहुत पसंद बहुत किया। बहुत पढ़ा और हर किताब उनकी मैंने। किताबें कितनी आ चुकी हैं और क्या नाम है उनकी किताब? मेरी अभी एक ही किताब आई है जिसका नाम है वुसत एम का। एक और किताब अभी मदारिश तय कर रही है, अच्छा, कंपोजिशन वगैरह में गई हुई है, ठीक है। और इसके अलावा जो मेरे कॉलम्स का मजमुआ है उनको भी मेरा इरादा है कि मैं किताब की शक्ल में नस्ब छपवाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। और हिजरत कैसी लगी? हिजरत तो देखिए एक दुख तो होता ही है। बिल्कुल, अपनी जमीन छोड़ने का दुख। अपनी बिल्कुल बिल्कुल। और एक गजल भी मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगी जो हिजरत के मौजू पे मैंने जरूर इसी मौके पे सुनाइए, मेरा ख्याल है। मैं अभी पेश कर। कहीं जमीन कहीं आसमान छोड़ आए, कहीं जमीन कहीं जमीन कहीं आसमान छोड़ आए, दयारे कर्ब में अपना मकान छोड़ आए। वाह 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 वाह। नए सफर पे नए मौसमों ने दिया आवाज, नए सफर पे नए मौसमों ने दी आवाज, कड़ी थी धूप मगर साहिबान छोड़ाए। वाह वाह वाह। कड़ी थी धूप मगर साहिबान छोड़ाए। बहुत उम्दा। ये जान कर भी के ना मेहरबानियां होंगी, ये जान कर भी के ना मेहरबानियां होंगी, पुराने शहर में सब मेहरबान छोड़ाए। क्या अच्छा है, वाह 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 वाह। तला तुम्हें गमे दौरा में बह गए पतवार,
तला तुम्हें गमे दौरा में बह गए पतवार, हवा के हाथ में हम बादबान छोड़ाए। क्या अच्छा है, हवा अच्छा के हाथ में हम बादबान छोड़ाए। जहां से इज़्ने तकल्लुम कभी नहीं मिलता, जहां से इज़्ने तकल्लुम कभी नहीं मिलता वहीं पे अपनी दरीदा जुबान छोड़ाए। क्या उम्दा है, वहीं पे अपनी दरीदा जुबान छोड़ाए। हमें पता था कि मौजज़ बयानियां होंगी, हमें पता था कि मौजज़ बयानियां होंगी जबान खल्क मगर बदगुमान छोड़ाए। क्या अच्छा है, जबान खल्क मगर बदगुमान छोड़ाए। और मख्तार्ज है, जहां किसी को भी अपना पता नहीं मिलता, जहां किसी को भी अपना पता नहीं मिलता वजूद नूर वहीं बेनिशान छोड़ाए। क्या उम्दा है, बहुत उम्दा है, नूर वहीं बेनिशान। तो आपने अपने अपने अशार में ही उस कल्ब की तर्जुमा जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि उर्दू शायरी में ख्वातीन के किरदार या उनकी शायरी को आप किस नज़र से देखते हैं? हाँ, देखिए, पहले तो सबको पता ही है कि ख्वातीन जो है वो सात पर्दों में मस्तूर थी, उनको मौका नहीं मिला बिल्कुल, और अरसे तक वो इसी पर्दे का शिकार रही बिल्कुल। उनके बस ख्वातीन सुना मर्दाना हाँ, नाम से भी लिखती मर्दाना नाम से भी लिखती थी और फेक नाम गलत नाम से लिखती थी, लेकिन इसका मतलब है कि औरत में टैलेंट तो अजल से है। हाँ बिल्कुल, और शायरी का उनसर तो बदरजा तब मौजूद है औरतों के अंदर, क्योंकि उनके अंदर एक खास किस्म की उनकी तबीयत में रुमानियत का रचाव है जो शायरी में इजहार के लिए मचल उठता है। तो ख्वातीन ने एक वक्त के बाद उनको मंजर आम पे आने का मौका मिला और उन्होंने अपनी शायरी को पेश भी किया हमारे आदा जाफरी की जी बिल्कुल, दाद भी वसूल की बिल्कुल, और अपना लोहा भी मनवाया बिल्कुल। और जिस तरह के आपको पता है कि औरतें जो हैं वो हर मैदान में अब मर्दों के शाना बशाना पहलू पहलू खड़ी हैं और अपना लोहा मनवा रही हैं, अपनी हैसियत को तस्लीम करवा रही हैं, इसी तरह ख्वातीन शोरा भी इस वक्त मैदान अदब में हम कदम है। किसी से भी पीछे बिल्कुल। मैं समझती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि उर्दू शायरी में आप ये जो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इनका क्या किरदार है? सोशल मीडिया देखिए हर चीज पे हावी है और दुनिया में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इसी सोशल मीडिया की बदौलत है बिल्कुल। तो शेर व शायरी को भी उसमें अपना हिस्सा मिलना चाहिए और मीडिया के तवस्सुत से कम है बिल्कुल। अगर भी चीजें कम नजर आती जी बिल्कुल, खास खास मौके पे तो उसमें जैसे यौम पाकिस्तान पे मुशायरा कर दिया, यौम आजादी पे कर दिया, ईद मिलाद उन्नबी पे मनाती है मुशायरा हो गया। मतलब मैं ये समझती हूँ कि जो हक है अदब का, जो हक है सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे, वो पूरा नहीं हो रहा। आप यानी क्या? बिल्कुल, और होना चाहिए और औरतों को मजीद उसमें हिस्सा मिलना चाहिए, इसलिए कि ख्वातीन अपने टैलेंट के लिहाज से किसी से भी कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उर्दू शायरी आप अंग्रेजी शायरी से मरूब होती हैं या आप पढ़ती हैं? जी पढ़ती हूँ मैं अंग्रेजी शायरी, और मैं मरूब नहीं होती इसलिए कि अब तो देखिए पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है बिल्कुल, जज्बात और एहसास के लिहाज से भी और तमाम माशरती अकदार के लिहाज से भी। दुनिया में कहीं भी जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी दुनिया का हिस्सा इसी सोशल मीडिया की बदौलत। तो लेकिन बार दफा देखा गया है कि लोग, कुछ लोग अंग्रेजी शोरा को पढ़ते हैं, फिर उनके ख्यालात मुस्तार लेते हैं, फिर उसको उर्दू शायरी पर लागू करते हैं। तो कभी आपको ऐसा लगा अंग्रेजी की शायरी पढ़ते हुए कि ये इसको मैं अपने अल्फाज में ढालूं और उर्दू शायरी में इसको इसकी बुनियाद बनाऊं? देखिए वक्त के साथ साथ तो हर चीज बदल जाती है ना, शायरी में भी एक इनकलाब आ गया पहले जमाने में जी, पहले जमाने में रगे गुल से बुलबुल के पर बांधते हैं वो शायरी हो रही बिल्कुल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदला, मौलाना हाली के जमाने से शायरी में एक इनकलाब अजीम आया और जो माशरती अकदार थी उनके अंदर इस्लाह का पहलू शायरी की बदौलत निकाला जाने लगा बिल्कुल, तो शायरी तब्दील होती गई और अंग्रेजी शायरी की छाप जो है वो उर्दू शायरी पर नजर तो आ रही है, लेकिन वो अपने उसी जामे में, उसी मशरकी जामे में मौजूद है और उसी तरह नजर आ रही है जैसे वो पहले थी, पुराने रिवायत को उसने तर्क नहीं किया। तो अंग्रेजी शायरी में कभी ऐसे कोई नाम जो आप, जिनको आपने पढ़ा हो और आपको बड़े, आप शेक्सपियर के अलावा, वो तो बचपन से पढ़ रहे हैं, वो तो पढ़ रहे तो ये बताइए नए शोरा को मैं पढ़ती रही हूं जी बिल्कुल।
तो उर्दू शायरी पे उसके असरात मुरतब हो रहे हैं। हाँ। आपका कहने का मतलब ये है कि जो नए लिखने वाले हैं, इसलिए कि अब तो पूरी दुनिया एक ही मंजरनामे के तहत आपको नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, हम शाह मनोहर साहिबा से गुफ्तगू कर रहे हैं, हम आते हैं ब्रेक के बाद। Are you confused about the new mortgage rules that you may or may not qualify for your mortgage or for your next investment property? Do you need expert mortgage advice? Call Team Salman today to get the right advice and find out how you can qualify for the mortgage you deserve. Call today or visit us at www.teamsalman.com. We deliver mortgages. The law professionals at TM Law, providing professional services in GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773. Visit tahirlaw.ca. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Want to be updated when a new project launches? Then join our database today and never miss out on the latest projects. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. I am Siddiq from All Debt Solutions. अगर आपके क्रेडिट कार्ड, लाइन ऑफ क्रेडिट, पर्सनल लोन्स, इनकम टैक्स या HST इतना ज्यादा हो गया है कि आप पे नहीं कर सकते, तो हम आपका कर्ज अप टू 70% तक माफ करवा के लीगल तरीके से अंडर फेडरल प्रोग्राम आपके तमाम एसेट्स को सेव करते हुए आपको डेट फ्री करने में हेल्प करते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-671-0577। हमारी वेबसाइट www.alldebtsolutions.ca। हम अल्बर्टा, अंटेरियो और BC में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शाह मनोहर साहिबा और हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहां मुनक़ता हुआ था। शाह मनोहर साहिबा, आप उर्दू के मुस्तकबिल को कैसे देखती हैं? उर्दू का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है, इसलिए कि दुनिया कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। और अगर जहां जहां उर्दू बोली और जो हिंदुस्तानी जबान है वो भी उसी उर्दू के लहजे में बोली जा रही है, तो दुनिया की एक बड़ी कसीर आबादी जो है वो उर्दू बोलती है और शेर व शायरी से भी मुस्तफीद होती है उर्दू की। अच्छा, अदबी गुरुबंदियां आजाद हॉट टॉपिक रहता है हमेशा, बड़ा गर्म टॉपिक, बड़ा गर्म मौजू है। ये बताइए, आप इसको किस तरह देखते हैं? अदबी गुरुबंदियां तो देखिए कहीं भी सही नहीं है ना, ये तो किसी भी ये तो मतलब जवाल पजीर हो जाएगा माशरा अगर गुरुबंदियां होंगी तो। और शायरी को भी हम मिलजुल के काम करना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए। शेर व अदब जहां भी दुनिया का अच्छा हो और जिस शख्स के भी लहजे की अंदर मौजूद हो उसे सुनना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल, ताकि देखिए ना, अगर हम दूसरों को वो कहते हैं ना कि हमारे बाद पैदा हो सकते हो तो हमारे बाद शेर क्यों नहीं कह सकते, तो फिर हम
लोग क्यों डरते हैं, मतलब नए शोरा को आगे बढ़ाने से? नहीं, उन्हें तो आगे बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, उनसे हमारे लहजे में तवानाई और ताजगी पैदा होगी। बिल्कुल, उनको सुन के भी बहुत चीजें, बहुत बहुत नई नस्ल जो कुछ लिख रही है, नई नस्ल जो कुछ लिख रही है, उनके सोचने का अंदाज, उनके सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है पुराने शोरा से। तो जाहिर है वो लम्हा, इंसान सीखने की तो कोई लम्हा नहीं होती। बिल्कुल, सीखने से आरी नहीं होना। बिल्कुल। और ये बताइए कि नापसंदीदा रवैये मुआशरे में आपके क्या है? मतलब ये इस्तेहसाल और लोगों को तकलीफ पहुंचाना, उनके अगर अपने मौजूदा नस्ल को आगे बढ़ने का मौका नहीं फराहम करेंगे और उनका इस्तेहसाल करते रहेंगे तो ये चीज़ माशरती मुनाफिकत भी होगी। बिल्कुल। और तकलीफ दे होगी, हमारे आइंदा जवाल का बास होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये मैं समझती हूँ कि इस मौके पर कुछ कलाम आपसे सुना जाए, लेकिन इससे पहले एक सवाल रहता है कि आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे अदब भी कुछ सियासत का शिकार हो रहा है। अदब ही सियासत नहीं, और भी दुनिया ज़माने में जो सियासतें हैं, पॉलिटिक्स चल रही है, जो एक मंजरनामा चल रहा है, वो शायरी पर भी असरअंदाज हो रहा है, अदब पर भी असरअंदाज हो रहा है। तो आप उसको किस नज़र से देखती हैं? तो देखिए, अगर उसकी खामियां निकालने के लिए पेश किया जाए वो सिलसिला, तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि सियासत जो है वो भी हमारे दौर का एक बहुत ही अहम जुज़्व है। उसके अंदर जो है वो तब्दीली आनी चाहिए, अच्छाई आनी चाहिए, मुनाफ़क़त ख़त्म होनी चाहिए। हमारे शोरा इसी सियासत को मौजू कलाम बनाकर कोशिश कर रहे हैं कि उसमें तब्दीली आए। तब्दीली आए। आप, मैं चाहती हूँ कि आप अपना कोई कलाम कीजिए। मौजूदा माशरती हालात के तहत एक गज़ल पेश खिदमत है। यकीन में नकब लगाता गुमान किसका था? क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, वाह वाह। यकीन में नकब लगाता गुमान किसका था? फजा में वहम उगाता वो ध्यान किसका था? वाह वाह वाह। फजा में वहम उगाता वो ध्यान किसका था? दिलों में जख्म लगाती जुबान किसकी थी? खराशता हुआ जोरे बयान किसका था? वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। वो मेरा घर तो था आबादियों के बीचों बीच, वो मेरा घर तो था आबादियों के बीचों बीच, खंडर बना हुआ खाली मकान किसका था? वाह 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 वाह। खंडर बना हुआ खाली मकान किसका था? ये जख्म जख्म परिंदे को था ना अंदाजा, ये जख्म जख्म परिंदे को था ना अंदाजा, वो हाथ हामिले तीरो कमान किसका था? क्या अच्छा है, वाह वाह वाह। वो हाथ हामिले तीरो कमान किसका था? फसीले शहर पे शब खून मारने वालों, क्या अच्छा है। फसीले शहर पे शब खून मारने वालों, हमारे दर पे कशीदा निशान किसका था? क्या अच्छा है, वाह वाह। हमारे दर पे कशीदा निशान किसका? वो एक साया हमेशा जो साथ साथ रहा, क्या उम्दा है। वो एक साया हमेशा जो साथ साथ रहा, तुम्हारे और मेरे दरमियान किसका था? क्या अच्छा है। तुम्हारे और मेरे दरमियान किसका था? न राहबर का पता और न मंजिलों के निशान, न राहबर का पता और न मंजिलों के निशान, वो रास्ते में लुटा कारवान किसका? क्या अच्छा है, वाह वाह वाह। वो रास्ते में लुटा कारवान किसका था? वो जिसने सहने गुलिस्ता में लफ्ज सुलगाए, क्या उम्दा है। वो जिसने सहने गुलिस्ता में लफ्ज सुलगाए, हमें पता न चला तर्जुमान किसका था? क्या उम्दा है। हमें पता न चला तर्जुमान किसका था? वाह वाह वाह। और मक्ता पेशे खिदमत है। खबर नहीं है कि इस शहर बे अमा में नूर, खबर नहीं है कि इस शहर बे अमा में नूर, हवा के दोष पे वो साहिबान किसका था? क्या उम्दा है, वाह। हवा के दोष पे वो साहिबान किसका था? वाह। यकीन में नकब लगाता गुमान किसका था? फजा में वहम उगाता वो ध्यान किसका? वाह वाह वाह। कुछ और इनायत कीजिए जी। एक और गजल पेश करती हूँ। इरशाद। राह वफा में हर कदम कारे मुहाल कब बना? क्या उम्दा है। राह वफा में हर कदम कारे मुहाल कब बना? राहते जा जो इश्क था दिल का वबाल कब बना? क्या अच्छा है, वाह 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 वाह। जी शुक्रिया। दश्ते जुनू में जल गया अपनी तमाजतों में वक्त, दश्ते जुनू में जल गया
अपनी तमाजतों में वक्त, माजी की राख का वो ढेर, किस्से हाल कब बना। क्या अच्छा, माजी की राख का वो ढेर, किस्से हाल कब बना। वाह वाह वाह। बिखरे जो ख्वाब टूट कर, ये भी पता न चल सका, बिखरे जो ख्वाब टूट कर, ये भी पता न चल सका, वो था मेरा शरीक गम, वजह मलाल कब बना। क्या उम्दा है। वो था मेरा शरीक गम, वजह मलाल कब बना, मलाल कब बना, उससे बिछड़ के कोई दिन फिर ना शुमार हो सका। क्या अच्छा है। उससे बिछड़ के कोई दिन फिर ना शुमार हो सका, गर्दिशे वक्त ये बता, दिन पूरा साल कब बना। क्या अच्छा है। गर्दिशे वक्त ये बता, दिन पूरा साल कब बना। उसने बिसाते दिल पे क्यों मात का फैसला किया। क्या उम्दा। उसने बिसाते दिल पे क्यों मात का फैसला किया, वो तो खुली किताब था, एक नई चाल कब बना। क्या उम्दा है। वो तो खुली किताब था, एक नई चाल कब बना। बहुत उम्दा। दौरे जदीद का इश्क। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों ही साथ साथ थे राह गुजारे दर्द पर। क्या उम्दा है। दोनों ही साथ साथ थे राह गुजारे दर्द पर, अपने गुरूर इश्क में वो बेमिसाल कब बना। क्या अच्छा है। वाह वाह। गुरूर इश्क, हर शेर वो बेमिसाल कब बना। और मकतब इश्क मुरस्सा गजल। वाह वाह वाह। खामोशी सदा में नूर, शोर फुगा भी दब गया। खामोशी सदा में नूर, शोर फुगा भी दब गया, शिकवाए दर्द गम मेरा, जब्ते सवाल कब बना। वाह वाह वाह। शिकवाए दर्द गम मेरा, जब्ते सवाल कब बना, राह वफा में हर कदम कारे मुहाल कब बना, राहत जा जो इश्क था, दिल का वबाल कब बना। बहुत उम्दा बहुत उम्दा। तो रोजा तो है आपका। जी रोजा है आपका। माशाल्लाह। तो रोजे में ज्यादा पढ़ सकती है। कैसे घर में अफ्तार वगैरह कैसे, मतलब पसंदीदा बनाते हैं अपने हस्बैंड की या? जाहिर है उन्हीं की पसंद। उन्हीं की पसंद पूरा घर चल रहा है। तो ये बताइए, पहले सामे भी वही होते हैं? हाँ बिल्कुल। पहले सामे बिल्कुल बिल्कुल। यानी पहला शेर का और शायर है वो खुद। हाँ, तो मुझे पता है पहला शायर शेर का और उनको सुना दिया। नहीं पूरी गजल लिखी। अच्छा, तो तनकीद करते हैं आप? हाँ, हाँ, बताते हैं। कड़ी तनकीद आप भी? बिल्कुल। ये अच्छा। तो यानी इसका मतलब है, इसका मकसद ये होता है कि एक दूसरे की खामियां दूर हो जाए, इस्लाह हो जाए। बिल्कुल ये मकसद। ये बड़ा, ये नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप दोनों एक दूसरे को सुनाकर एक दूसरे से इस्लाह भी ले लेते हैं और अपनी चीज को एक तरह से मुस्तनद भी कर लेते हैं कि भाई वो इतने अच्छे खुद आपके शायर है। और बाकी बशायरी बच्चों में किसी को शौक आया? हाँ है तो सबको ही शौक। जो मेरा बड़ा बेटा है वो पहले एक जमाने में मिजाहिया अशार कहा करता अच्छा, था। अच्छा, वाँ वाँ। उसकी क्लास में उसको अकबर इलाहाबादी कहा जाता था। बड़ी बेटी भी अशार लिखती थी, लेकिन चूंकि वो डॉक्टर है तो वक्त की कमी की वजह से वो इस सिलसिले को इतना आगे ना बढ़ा सकी। और छोटी बेटी तो इंग्लिश अदब में ही उसका सारा मैदान है। अच्छा। एमफिल कर रही है वो। और तो जाहिर है इतने अदबी और इल्मी खानवादे से आपका ताल्लुक है, तो जाहिर है बच्चों में तो वो चीज जरूर आई होगी। जी, छोटा बेटा भी जो है वो इंग्लिश में लिखता है, शायरी भी करता है, नसर भी लिखता है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। चारों बच्चे लिखते हैं। चारों बच्चे लिखते हैं। ये तो होना चाहिए। कुछ एक आध चीज और सुनाइए। जी, एक और गजल पेश खिदमत है जो आजकल के दौरे इब्तला की अक्कासी कर रही है। इरशाद। सहमा सहमा सहे क्यों आज उजाला लोगो। वाह। सहमा सहमा सहे क्यों आज उजाला लोगो, खो गया है शबे महताब का हाला लोगो। वाह वाह। खो गया है शबे महताब का हाला लोगो, गर्दिशे वक्त ने अब लाके कहाँ फेंका है। गर्दिशे वक्त ने अब लाके कहाँ फेंका है। खो गया मुझसे वो माजी का हवाला लोगो। क्या उम्दा है। खो गया मुझसे वो माजी का हवाला लोगो, कौन था जो के खिलाफे चमन आराई था। वाह। कौन था जो के खिलाफे चमन आराई था, किसने खुशबू को दिया देश निकाला लोगो। क्या उम्दा है। किसने खुशबू को दिया देश निकाला लोगो, आगही ने भी जहालत की रिदा ओढ़ी है। आगही ने भी जहालत की रिदा ओढ़ी है, कैसे कर पाओगे अब इसका अजाला लोगो। वाह वाह बहुत उम्दा। कैसे कर पाओगे अब इसका अजाला लोगो, जल गई ताकते परवाज़े तखय्युल उनकी। जल गई ताकते परवाज़े तखय्युल उनकी,
सोच में जिनकी लगा वहम का जाला लोगो, सोच में जिनकी लगा वहम का जाला लोगो, कसरो ऐवान जला डालेगी ये पेट की आग, कसरो ऐवान जला डालेगी ये पेट की आग, छिन गया आप जो अगर मुंह से नवाला लोगो, छिन गया आप जो अगर मुंह से नवाला लोगो, खार की हर्जा सराई ने बड़ी कोशिश की, क्या अच्छा, खार की हर्जा सराई ने बड़ी कोशिश की, बच गया फिर भी मेरे पैर का छाला लोगो, क्या उम्दा, बच गया फिर भी मेरे पैर का छाला लोगो। और शेर अर्ज है, उनकी महफिल में जो बैठे तो हमें ऐसा लगा, उनकी महफिल में जो बैठे तो हमें ऐसा लगा, खुल गया शहरे तिलस्मात का ताला लोगो, क्या उम्दा है, खुल गया शहरे तिलस्मात का ताला लोगो। और मक्ता पेशे खिदमत है, दिल पे उफ्ताद पड़ी ऐसी के मत पूछो नूर, क्या उम्दा है, दिल पे उफ्ताद पड़ी ऐसी के मत पूछो, मत पूछो नूर, रेजा रेजा हुआ वो कांच का प्याला लोगो, रेजा रेजा हुआ वो कांच का प्याला लोगो, सहमा सहमा सहे क्यों आज उजाला लोगो, खो गया है शबे महताब का हाला लोगो। अच्छा, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? मैं अपने नाजरीन को यही पैगाम देना चाहूँगी कि माशरती अकदार को महफूज रखने के लिए जो बन पड़े वो करें, बिल्कुल, और कोशिश करें कि माशरे से मुनाफिकत और इस्तेहसाल जैसी बीमारियाँ दूर हो सके, बिल्कुल, ताकि इंसानियत तरक्की कर सके, जो हमारे इस दुनिया में आमद का सही मकसद है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाएं और हमें अपने कीमती वक्त में से ये वक्त दिया। नाजरीन, प्रोग्राम हमारे मेहमान में आज हमारी मेहमान थी मोहतरमा नूर शमा नूर साहिबा। हमारे ये प्रोग्राम आप मंगल को शाम 7 बजे देख सकेंगे। ये प्रोग्राम दोबारा टेलीकास्ट होता है बुध को दोपहर 1 बजे, इतवार को दोपहर 1 बजे। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं toronto360.tv। आप हमें अपनी राय से नवाजिए ताकि हम आपकी आरा की रोशनी में अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। ज़ेकिया गज़ल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।